कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपने पांव पसार लिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरी तरह 3 मई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। आज लॉकडाउन का 25वां दिन है और इस कोरोना वायरस ने शादी विवाह पर भी ग्रहण लगा दिया है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एक शादी का अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां कार सवार एक नव दंपत्ति रुकी और वहां लगी सैनिटाइजर टनल में सैनिटाइज होकर शंकर भगवान की परिक्रमा करते हुए 7 फेरे लिए और भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर अपने विवाह को संपूर्ण किया। आपका नाम? कुलदीप सोलंकी। आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, शादी कहाँ थी आपकी? हमारी शादी यही मुजफ्फरनगर में थी। जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें आपने अभी ये निर्णय लिया शादी करने का, क्या कारण रहा? नहीं, हमारी शादी एक्चुअली नवंबर में फिक्स हुई थी, तो हमारी 17 तारीख की शादी थी, 17 अप्रैल की, तो हमने इसे पीछे ना हटा के 6-7 बंदों में शादी करने के लिए तैयार हुए और हम क्या परमिशन लेके आए हैं वो BDO की और DM की परमिशन लेके आए हैं 6 बंदों के लिए और 2 गाड़ी के लिए, और हमने आज शादी करी है। तो सोशल डिस्टेंस का आपने कैसे ध्यान रखा? हमने सोशल डिस्टेंस का, एक तो हम हर बंदा 1 मीटर की दूरी पे रहा और सब बंदे के मुंह पे मास्क बंधा रहा। तो आज आपने यहाँ से क्या क्या मुजफ्फरनगर आपने की? मुजफ्फरनगर आके हमने फेरे लिए हैं, 7 फेरे, और अपनी शादी पूरी करी है। अभी आप किस जगह पे आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर में आया हूँ। जैसे कि आप की शादी लॉकडाउन में हुई है, वैसे शादी धूमधाम से हुई, तो कैसा लग रहा है? एक्चुअली शादी तो शादी है, देखो, या लॉकडाउन में करो या वैसे करो, शादी तो शादी है, उसको अपना महत्व समझना चाहिए, शादी तो शादी होती है।